फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय. दिस इज यूनिथ मैन राइट हैंड, यू आर वाचिंग ONS स्टडी सर्कल. दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर. वो क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम लेंगे जो फाइनेंस कैंडिडेट से पूछे जाते हैं जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं. तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को. लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ONS स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको हमारे अपडेट्स मिल सके. तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ. दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो के कंटेंट के ऊपर कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लेने वाले हैं. तो आइए एक नज़र डालते हैं इस वीडियो के कंटेंट के ऊपर. दोस्तों, 10 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं यहाँ पे. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, दूसरा है व्हाट इज NPV विच इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, तीसरा है व्हाट इज IRR विच इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, द फोर्थ वन इज व्हाट इज हैजिंग, पांचवा है दोस्तों व्हाट इज रिटेन अर्निंग, छठा है दोस्तों व्हाट इज डीमैट अकाउंट, सातवा है यहाँ पे व्हाट इज बुल मार्केट एंड बियर मार्केट, आठवा है व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट, नौवा है व्हाट इज EPS विच इज अर्निंग पर शेयर, दसवा है व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. तो दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, हम एक एक क्वेश्चन को सीरियल वाइज लेते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या इसका आंसर है. पहले बात करते हैं व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट. दोस्तों, इसको समझने से पहले हम पहले एक वर्ड की डेफिनेशन क्लियर करेंगे कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है. ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है दोस्तों एक वो प्रोसेस जिसमें एक पर्सन, एक व्यक्ति पैसे निकालता है और वो उस लिमिट से ज़्यादा चला जाता है जितने पैसे उसके अकाउंट में है, मतलब जितने पैसे उसके अकाउंट में है उससे ज़्यादा वो पैसे निकाल लेता है, तो इसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट. अब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है दोस्तों कि एक पर्सन के पास जितने बैंक में पैसे हैं वो उससे ज़्यादा पैसे निकालने के लिए कैपेबल है, एबल है, बैंक ने उसको ये फैसिलिटी दी है. ये फैसिलिटी बात करते हैं कि बैंक देता क्यों है, ये देता है उसकी रेटिंग के ऊपर कि कस्टमर कैसा है, कस्टमर का जो रिलेशनशिप है वो बैंक के साथ कैसा है. इसमें क्या होता है, बैंक उसको एक लिमिट दे देता है कि आप इस लिमिट तक पैसा निकाल सकते हैं चाहे आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना हो. यहाँ अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए सपोज कीजिए 10,000 की लिमिट दी है तो 50,000 उसके पास है लेकिन वो निकालना चाहता है 60,000, तो वो निकाल सकता है क्योंकि बैंक ने उसको ये फैसिलिटी दी है. इसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों. व्हाट इज NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम कहते हैं. ये क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं और क्या इसका फायदा है, इसको हम देख लेते हैं. दोस्तों, NPV क्या होता है, ये इसमें ये देखा जाता है कि कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, क्योंकि हम ये सुनते आए हैं कि जो टाइम है वही पैसा है. कैसे, एक एग्जाम्पल हम देते हैं यहाँ पे, जैसे 100 रुपये है उसकी वैल्यू आज से 10 साल बाद हो सकता है 200 रुपये से ज़्यादा हो. अगर कोई ये कहे कि आज आप मुझे 100 रुपये दीजिए मैं आपको 10 साल बाद 200 रुपये दूंगा, तो आप ज़रूर ये सोचेंगे कि क्या जो 200 रुपये की वैल्यू है वो आज के 100 रुपये को मीट करेगी. तो कंपनी सिर्फ प्रेडिक्शन के तौर पे नहीं चल सकती कि करेगी या नहीं करेगी, कंपनी को इसको एक फुल प्रूफ प्रोसीजर के दौरान देखना पड़ता है, फुल प्रूफ प्रोसीजर से देखना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं NPV. NPV में कंपनी क्या करती है, देखती है कि जो फ्यूचर कैश इनफ्लो होगा, मतलब फ्यूचर में जो कंपनी के पास पैसा आएगा उसकी प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है, मतलब आज की डेट में उस पैसे के जो फ्यूचर में आएगा कितनी वैल्यू होती है, और आज कितना कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है ये देखा जाता है. अगर ये पॉजिटिव आती है तो कंपनी उसमें इन्वेस्ट करेगी. पॉजिटिव का क्या मतलब होता है और नेगेटिव का क्या मतलब होता है उसको हम देख लेते हैं. अगर NPV पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है फ्यूचर में उसकी वैल्यू ज़्यादा है आज जितनी इन्वेस्टमेंट की है उससे. मान लीजिए कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है एक सर्टेन अमाउंट का और NPV ज़्यादा है, पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब यह है कि उस अमाउंट से ज़्यादा पैसा ही कंपनी को आज की डेट में मिल रहा है लेकिन मिलेगा फ्यूचर में, तो कंपनी इस तरीके से चेक करते हैं. नेगेटिव का मतलब है कि लॉस, मतलब जितना कंपनी आज पैसा लगा रही है फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उससे चाहे पैसे बड़े हुए दिखें पर वैल्यू उसकी कम होगी. अभी कैसे होता है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. अब दोस्तों, ये कंपनी है जिसका नाम है XYZ, ये क्या करती है, एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट ए. अब वो कितना इन्वेस्ट कर रही है, वो इन्वेस्ट कर रही है 500 रुपीज़ आज की डेट में, इसको हम ले लेते हैं ईयर. आज की डेट में उसने इन्वेस्ट किया 500 रुपीज़, लेकिन उसको रिटर्न कैसे मिल रहा है, पहले तो हम इसको माइनस में रखेंगे क्योंकि ये तो कंपनी ने आज इन्वेस्ट कर दिए हैं. अब उसको रिटर्न कैसा मिल रहा है ये हम देख लेते हैं. उसको रिटर्न मिल रहा है 200 करके, 200 200 200, तीन साल तक उसको रिटर्न मिलता है, 1 2 3 ईयर्स, 3 साल तक उसको रिटर्न मिलता है. अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है. प्रेजेंट वैल्यू मतलब PV, ये तो हो गए यहाँ तो 500. अब ये जो है ईयर वन में हम देखेंगे 200 1 / 1 + WACC. अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि WACC क्या है,
इसका मतलब होता है दोस्तों वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम अगली वीडियो में समझाएंगे, पर एनपीवी में इसका मतलब होता है कि कम से कम वो अमाउंट जो कंपनी को एक इन्वेस्टमेंट से अर्न करना ही करना है ताकि वो अपने शेयर होल्डर को पैसा दे सके। इससे कम अगर अमाउंट अर्न करती है कंपनी एक इन्वेस्टमेंट में तो कंपनी लॉस सफर करेगी। तो यहाँ पे हुआ 200, यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, ये होगा 200 डिवाइड बाय 1 प्लस वैक विच इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 1 बाय 2 इज इक्वल टू 166.66। अब दूसरे साल क्या होगा दोस्तों, ये जो 201 प्लस वैक है इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे जब, तो इधर आएगा 138.88। ऐसे ही तीसरे साल इसकी पावर 3 हो जाएगी और सॉल्यूशन आएगा दोस्तों हमारा 115.74। तो दोस्तों ये तीनों साल के रिटर्न आ गए कि इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कंपनी को पैसा देगी। अब कंपनी आगे क्या करती है उसको देख लेते हैं। अब कंपनी ने दोस्तों पैसा कितना लगाया था, कंपनी ने पैसा लगाया था 500 रुपीज़। अब कंपनी जो फ्यूचर कैश इनफ्लो उसको प्लस करेगी, तीनों साल के प्लस करके हुए 421.28। तो बैलेंस आया हमारे पास माइनस में 78.72। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है विच इज एनपीवी वो माइनस में आई। इसका मतलब ये है कि कंपनी को जो आज 500 रुपये हैं कंपनी के पास उसकी वैल्यू ज़्यादा है जो 3 साल बाद उसको 600 रुपये मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा 200 करके 3 साल उसको रिटर्न मिला। तो ये होती है दोस्तों टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि आज के 500 रुपये की वैल्यू 3 साल बाद 600 से ज़्यादा होगी क्योंकि एनपीवी माइनस में है, तो कंपनी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों आईआरआर क्या होता है विच इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दोस्तों आईआरआर में क्या होता है, एनपीवी को जीरो रखा जाता है। अब जीरो क्यों रखा जाता है, ताकि हमें आईआरआर मिल सके, ये देख सके कि कितनी दर से कंपनी को जो है रेट मिल रहा है एक इन्वेस्टमेंट पे। अब मान लीजिए कंपनी के पास ऑप्शन है 3 जगह इन्वेस्ट करने का, तीनों में जो है एनपीवी पॉजिटिव है, तो कंपनी ये कैसे देखेगी कि किस इन्वेस्टमेंट से कितनी दर से उसको रिटर्न मिल रहा है। मान लीजिए एक से मिल रहा है 5% की दर से, एक से मिल रहा है 15% की दर से, तो डेफिनेटली 15% को वो चूज करेगी। तो ये चेक कैसे करेगी, वो चेक करेगी आईआरआर से। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आईआरआर जो है कैसे बेनिफिशियल है, कब ये बेनिफिशियल होता है और कब ये एक लॉस की सिचुएशन को दिखा सकता है। अगर दोस्तों जो वैक है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आईआरआर उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, अगर उससे कम है तो लॉस की सिचुएशन है। अब वो कैसे ये समझ लेते हैं दोस्तों। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे होती है कि कंपनी को एक इन्वेस्टमेंट पे कम से कम इतना पैसा तो कमाना ही है, नहीं तो वो लॉस में जाएगी। अगर आईआरआर विच इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि एक इन्वेस्टमेंट उसको कैसे कितनी देर से पैसा दे रही है, वो कम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो परसेंटेज है उससे, तो मतलब कंपनी को इतना तो कमाना ही था लेकिन उतने से कम मिल रहा है, तो ये लॉस है। अगर आईआरआर ज़्यादा है वैक से, तो मतलब कंपनी को कमाना था इतना लेकिन कंपनी ने कमा लिया ज़्यादा इतना, तो ये प्रॉफिटेबल है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। सेम एग्जांपल हम लेंगे दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्ट किए 500 रुपीज़, रिटर्न मिला 200 200 200 3 बार में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आईआरआर, दूसरे साल इसकी पावर को हम 2 कर देंगे, तीसरे साल इसकी पावर को हम 3 कर देंगे। अब मान लीजिए आईआरआर निकल के आता है यहाँ पे 18%, तो वैक हमने रखा था दोस्तों वहाँ पे 20%, तो हमें पता चला कि जो आईआरआर है वो 18% है, वैक से कम है, तो ये एक लॉस की सिचुएशन होगी, कंपनी इस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कभी नहीं करेगी। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज रिटेन अर्निंग। दोस्तों कंपनी के पास इनकम आती है, नेट इनकम आती है, और उसमें कंपनी क्या करती है, पहले शेयर होल्डर को पैसा दे देती है जो नेट इनकम है कंपनी के पास, और उसमें कंपनी क्या करती है, यहाँ तो प्रॉफिट बांट देगी शेयर होल्डर को, यहाँ वो पैसा रख लेगी कि वो आगे उसी पैसे को इन्वेस्ट करेगी कहीं पर और उससे पैसा कमाएगी। जब कंपनी वो पैसा रख लेती है कि वो उससे इन्वेस्ट करके पैसा कमाएगी, कहीं इन्वेस्ट करेगी, तो इस चीज को हम स्पेसिफिकली कहते हैं रिटेन अर्निंग। अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि रिटेन अर्निंग और रिवेन्यू में क्या डिफरेंसेस है। रिवेन्यू होता है कंपनी की इनकम, जो सेल करी कंपनी ने उससे पैसा आया वो हो गया रिवेन्यू। रिटेन अर्निंग है कि उस इनकम में से कंपनी ने एक पार्ट बचा लिया कि इसको हम आगे इन्वेस्ट करेंगे कहीं पर और इससे पैसा कमाएंगे, तो वो है रिटेन अर्निंग। ये डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज डीमैट अकाउंट। दोस्तों अगर हम फिजिकल रूप से शेयर्स को खरीदे हैं बेचे, तो ये काफ़ी लेंथी वर्क होगा, काफ़ी टाइम टेकिंग भी होगा और इसमें रिस्क होगा कि हम फ्रॉड में फंस सकते हैं, कुछ फ्रॉड एक्टिविटीज़ इसमें हो सकती है। लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको खरीदें, तो इसमें हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि एक फास्ट प्रोसेस होगा और फ्रॉड
कम से कम होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदने के लिए जो अकाउंट उपयोग में आता है, यूज में आता है, उसको हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं जैसे कि होता है बैंक अकाउंट। जैसे आपका पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है, आप जब मर्जी चाहे उसको एटीएम से निकाल सकते हैं, कैश नहीं आता आपके पास, सैलरी आती है, मैसेज आता है कि इतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। ऐसे ही होता है डीमैट अकाउंट, ये डील करता है सिक्योरिटीज में जैसे कि शेयर। तो ये होता है दोस्तों डीमैट अकाउंट, एक फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक में, और डीमैट अकाउंट एक अकाउंट के रूप में इसको स्टोर कर लेता है। तो इसको हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। दोस्तों हम बात करते हैं व्हाट इज बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। दोस्तों जब न्यूज़ देखते हैं शेयर बाजार की, तो हमें दिखता है स्टॉक मार्केट्स होती हैं उसके बारे में बुल बना होता है। क्या ये बुल आपको डराने के लिए है, ये दिखाने के लिए है कि आप अंदर मत आइए नहीं तो टक्कर मार के आपको गिरा देगा? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। दोस्तों बुल मार्केट और बेयर मार्केट में क्या होता है, ये जो एनिमल्स हैं दोनों, इनके अटैकिंग नेचर को देखा गया है। बुल जब अटैक करता है तो अपने सींग को ऊपर करके अटैक करता है, जबकि बेयर अटैक करते वक्त अपने पैरों के पंजे जो हैं उसको नीचे कर लेता है। तो ये देखा गया है कि बुल मार्केट में वो सिक्योरिटीज होती हैं, वो शेयर्स होते हैं जिनका एक्सपेक्टेड है कि इनका प्राइस बढ़ेगा। जैसा कि बुल सींग ऊपर करके अटैक कर देता है तो ये हम देखते हैं कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो उनको ऊपर रखा जाता है, उस मार्केट में बेचा जाता है। और बेयर मार्केट में वो सिक्योरिटीज होती हैं जिनका एक्सपेक्टेड है कि प्राइस गिरेगा। जैसा कि देखा गया कि बेयर नीचे पंजे करके अटैक करता है, तो जिन सिक्योरिटीज का एक्सपेक्टेड है कि प्राइस गिरेगा वो बेची जाती है बेयर मार्केट में। तो इन दोनों का मतलब होता है, बुल मार्केट का और बेयर मार्केट का। दोस्तों हम बात करते हैं व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट। दोस्तों स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट कर देती है। इसमें कंपनी के कई फायदे छुपे होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, कंपनी अपने फायदे का सोचती है लेकिन वो कस्टमर इन्वेस्टर के फायदे का भी सोचती है, नहीं तो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब दोनों के क्या फायदे हैं और ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि क्या होता है स्टॉक स्प्लिट। दोस्तों स्टॉक स्प्लिट में कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट करती है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उनके पास 500 शेयर हैं, एक शेयर की वैल्यू है यहाँ पे 2 रुपये, 500 × 2 मतलब 1000 रुपये के उनके पास शेयर्स हैं। अब कंपनी ने एक रेशियो में 2 में इनको स्प्लिट कर दिया। अब उनके पास हैं 500 × 2 मतलब 1000 शेयर्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, 2 रुपये का एक शेयर था, जिस रेशियो से कंपनी शेयर को इंटू करती है उसी रेशियो से प्राइस को डिवाइड भी कर देती है। पहले 2 रुपये का शेयर था, अब शेयर हो गया 2 / 2 = 1 रुपीज। 1000 शेयर उनके पास हो गए अब 1000 रुपये के, पहले 500 शेयर थे 1000 रुपये के। अब क्वेश्चन ये आता है कि उनको फायदा क्या हुआ, इन्वेस्टर को क्या फायदा हुआ, 500 की जगह उनके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई कि अब उनके पास 1000 शेयर हैं। फायदा यहाँ पे ये है कि इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर उस शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है। तो जहाँ पे वो इन्वेस्टर 500 शेयर बेच के पैसे कमाता, अब वो 1000 शेयर बेचेगा और उससे ज़्यादा पैसे कमा सकेगा। तो ये फायदा हुआ इन्वेस्टर का। अब कंपनी का फायदा ये हुआ कि कंपनी ने शेयर प्राइस को डाउन कर दिया और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट उसमें बनाए रखा कि देखिए आपके पास शेयर्स ज़्यादा है। इससे नए इन्वेस्टर भी कंपनी के पास खींचे चले आते हैं क्योंकि उनको पता है कि कंपनी के शेयर प्राइस कम चल रहे हैं, इन द नियर फ्यूचर वो बढ़ जाएंगे, तो इसलिए इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट करता है। और कंपनी जो है लिक्विडिटी भी इसमें बनाती है, पैसा भी लेके आती है। और ये देखा गया है कि जो कंपनी स्टॉक स्प्लिट इशू करती है वो एक मैसेज आता है मार्केट में कि ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज ईपीएस अर्निंग पर शेयर। दोस्तों अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि एक शेयर से कंपनी को क्या अर्निंग हो रही है। ये देखा गया है कि जितनी अर्निंग ज़्यादा हो रही है इन्वेस्टर एक शेयर पर, उतना कंपनी को पैसा ज़्यादा पे कर रहा है। तो दोस्तों ये होता है ईपीएस। दोस्तों हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के इस वीडियो में, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है उस मिश्रण से जिसमें डेब्ट और इक्विटी को कंपनी मिलाती है अपनी कैपिटल बनाने के लिए, क्योंकि कंपनी कैसे काम करेगी विदाउट कैपिटल। तो कैपिटल बनानी है, कैपिटल कंपनी कैसे बनाएगी, मार्केट से। मार्केट में 2 ऑप्शन होते हैं, डेब्ट और इक्विटी। अब ये देखा जाता है कि जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है वो है जिसमें कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कम से कम आए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि डेब्ट और इक्विटी कैसे काम करते हैं। इसमें डेब्ट तो जो है दोस्तों वो लेस रिस्क कैरी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि डिसोल्वेंट के केस में कंपनी उसको अपनी एसेट बेच देगी, तो उनके पास रिस्क लेस होता है। इसी कारण कंपनी उनको इंटरेस्ट रेट कम देती है, क्योंकि कंपनी को पता है इनके पास रिस्क कम है। और द अदर साइड जो कंपनी है, इक्विटी को रिस्क ज़्यादा होता है, तो इक्विटी को इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देती है, क्योंकि इक्विटी को पैसा वो मिलता है जो डेब्ट को देके बच गया, वो इक्विटी को मिलता है डिसोल्वेंट के केस में। और ज़्यादातर केसेस में वो देखा गया है कि वो पैसा कम होता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कंपनी ज़्यादा देती है। अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस में ज़्यादा होगी। डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी में ज़्यादा होगी, क्योंकि वो रिस्क ज़्यादा कैरी करते हैं तो कंपनी उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देती है, वहीं डेब्ट में कम देती है तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है। तो दोस्तों ये था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की फाइनेंस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।